हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस देखिए, ये मैंने एक मफलर बनाया है, जेंट्स मफलर है जिसका डिज़ाइन ये दोनों तरफ से एक जैसा बन रहा है, इधर से भी और इस तरफ से भी। इसमें हमने 60 फंदे डाले हैं। तो देखिए गाइस, इस डिज़ाइन को मैं डालकर आपको बताऊंगी। ये शुरू का फंदा हमने उल्टा बना लिया, एक और उल्टा बना लिया, फिर एक फंदे को हम बगैर बुने ऐसे लेंगे, उतारेंगे, और दूसरा जो ये फली का फंदा है इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा गाइस, ये एक फंदा हमें बगैर बुने लेना है इस तरह से, और ये दूसरा फंदा फली का हम इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह से लेना है, जाली बनाते हुए ऐसे बनाना है और इसको इस तरह से बनाना है। एक फंदा ऐसे लिया और ये फली वाला फंदा इस तरह से बनाया, एक फंदा ये ऐसे लिया और ये इस तरह से बनाया। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये जो उल्टा फंदा है हमें इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे, बगैर बुने बनाएंगे, और एक फंदा हम फली का बनाएंगे। गांठ वाला फंदा है हमारा बगैर बुना ही लिया जाएगा, और ये फली वाला फंदा इस तरह से बुना जाएगा। गांठ का फंदा हमें बगैर बुना ही बनाना है, जितनी बार भी बनाएंगे हमें बगैर बुना ही बनाना है। फली वाला बुनेंगे और गांठ का फंदा ऐसे हम, और ये इसके ऊपर से इस तरह से लेना है। फली का बना के आगे से फंदा करेंगे, फिर गांठ का ऐसे बुनेंगे, फिर इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई, ये कोने के हमने दो फंदे ये उल्टा बना लिया, एक इसको एक किनारे का है, हम ऐसे ही बनाएंगे बगैर बुने ले लिया। अब दूसरी सिलाई बना रहे हैं हम, ये दूसरी तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से करना है। अब ये हमें पहला फंदा ये इस तरह से बनाना है ऐसे, जिससे हमारी ये किनारी नज़र आए। फिर एक फंदा और गांठ का, ये हमारा जो फली का था इस तरफ गांठ का था, अब ये हमारे इस तरह से जाली का इस तरह से बन गया, और इन दोनों को हम एक बनाएंगे। फिर आगे फंदा करेंगे, ये गांठ का एक फंदा हम ऐसे उतारेंगे, और ये जो हमारा इस पर लपेटा लिया था ये फली का, और इसका इनको दोनों का हम एक कर देंगे इस तरह से। ये उल्टा फंदा हमने उल्टा बना, ये बगैर बुना ले लिया और दोनों का एक बना दिया। ये हमने ऐसे बनाया और दोनों का एक कर दिया, उल्टा फंदा हमने बगैर बुना ले लिया और इन दोनों का एक कर दिया। ये उल्टा फंदा हमने ऐसे ले लिया और ये इन दोनों का एक कर दिया। ये बहुत आसान डिज़ाइन है, इसको आप अपने मफलर या स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जैसे बच्चों का फ्रॉक वगैरह, जो लड़कियां आजकल बोट वाले जो
टॉप पहनती है उसमें ये डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखाई देगा। बनाना भी आसान है। ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। तीसरी सिलाई भी हमें इसी तरह से बनानी है। ये हमारा पूरा मफलर इसी तरह से बना हुआ है। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है। ये दोनों साइड से है, दोनों साइड से इसी तरह से बनेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।